तो बच्चों आज हम बहुत ही जानदार टॉपिक पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे जो एग्ज़ाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना, ये मान लिया कोई पतला लेंस एल है, पूरा आप ध्यान से सुनना एकदम, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे अभी बिल्कुल इसे पक्का कर लेंगे। ये कोई माना कोई पतला लेंस एल है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, जिसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ स्थित है। इस वस्तु ओ का लेंस के कारण, लेंस का जो प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ P1, लेंस के प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई डैश पर। तो प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, तो आई डैश पर बनता है। अब लेंस के अपवर्तनांक का सूत्र होता है, हमने सिद्ध किया था n/v-1/u = n-1/r। इस सूत्र से अब ये वस्तु कहाँ रखी है? P1 से U दूरी पर, तो U की जगह पर तो U आ जाएगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बनता है वी डैश पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वी डैश पर। तो यहाँ पर U की जगह तो U ही रहने देंगे और V की जगह पर वी डैश रख देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब वी डैश पर बनता है। कहाँ पर बनता है? वी डैश पर। तो कितना हो जाएगा? प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से n/v, क्योंकि प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब आई डैश पर बन रहा है, तो n/v-1/u, क्योंकि वस्तु की दूरी u, बराबर n-1/r1, क्योंकि हमने अपवर्तनांक कितना माना है इसका n। तो प्रथम पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या मानी है वो r1 मानी है, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। कैसे? माना कोई लेंस जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, जो पतला लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु ओ स्थित है, जिसका वस्तु ओ का प्रतिबिंब प्रथम लेंस, प्रथम पृष्ठ, लेंस के प्रथम पृष्ठ के कारण आई डैश पर बनता है। अब आई डैश पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने वी डैश कह दी, कहाँ से? प्रथम पृष्ठ से लेकर आई डैश तक की दूरी, और द्वितीय पृष्ठ से लेकर, अब ये जो आई डैश है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए, ये प्रतिबिंब आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। यह है प्रतिबिंब आई डैश, ये जो आई डैश प्रतिबिंब है ये द्वितीय पृष्ठ यानी इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और जिसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा। अब आभासी वस्तु का कार्य करेगा कौन? आई डैश। किसके लिए? इसके लिए। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी वस्तु की दूरी। इसका मीन्स हो गया कि यू की जगह पर हम वी डैश रख देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कि वी डैश टोटल है, वी डैश क्योंकि ये वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वी डैश टोटल है और टी इसमें से घट जाएगा, तो यू की जगह वी डैश माइनस टी, और एन की जगह पर जब ये पल्ली तरफ चला गया तो एन की जगह पर कितना हो जाएगा? 1/n। और वी का आएगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए कहाँ पर बन रहा है? आई पर, यानी यहाँ पर। अब ये आई डैश वस्तु का कार्य कर रहा है, तो जब वस्तु का कार्य कर रहा है द्वितीय पृष्ठ ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की तो हमें पता नहीं है, हमें तो इतनी पता है पूरी, यह है वी डैश, लेकिन हमें मोटाई तो हमने स्मॉल टी मानी है, तो इस पूरे में से ये जब घट जाएगी तो इतनी दूरी बचेगी, यानी ये वाली दूरी जो आएगी निकल के यहाँ से लेके और कहाँ तक की? आई डैश तक की, ये आ जाएगी वी डैश माइनस टी। तो ये काय का मान हो जाएगा? ये हो जाएगा द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, क्योंकि जो आई डैश है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो V की जगह पर कितना रख दिया जाएगा? कहाँ पर बनता है? V की जगह पर V ही रहेगा, 1/n-V, n/v सूत्र होता है, -1/, लेकिन वस्तु का मान, वस्तु की दूरी V डैश माइनस टी हो जाएगा बस। कैसे? यह प्रतिबिंब आई डैश, यानी यह आई डैश प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, यानी इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आई पर बनता है। जब आई पर बनता है, आई पर, अब यह आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है इसके लिए, तो द्वितीय पृष्ठ से लेकर यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी कितनी होगी? वी डैश माइनस टी, यानी यू का मान कितना हो जाएगा यहां पर? वी डैश माइनस टी बराबर 1/n, क्योंकि ये लेंस से जब उस साइड से लिया जाएगा तो 1/n कर दिया जाएगा, और r2 द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या मानी गई है। अब t जो है वो पतला लेंस है, बहुत पतला लेंस है, तो इसे नगण्य मानकर छोड़ दिया जाएगा t को। तो t को नगण्य मानकर छोड़ने पर कुछ भी नहीं किया गया, 1/nv, n नीचे को आ गया, -1/t हट गया, नगण मान के छोड़ दिया, बहुत सूक्ष्म है इसलिए, तो 1/v बराबर इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके n नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1-n/nr2, उसके बाद n से गुणा कर दी, n से गुणा मतलब n ऊपर सबके साथ लिख दिया बस, यानी n/nv माइनस
माइनस एन से गुणा करिए एन अपॉन वी डैश बराबर एन, यहाँ लिख दिया वन माइनस एन अपॉन, बस ऐसे ही रहने दिया, एन से एन कट गया एन से एन, तो वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो एन पहले लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया तो एन प्लस का हो गया वन माइनस का, यानी एन माइनस वन अपॉन आर टू। अब समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दिया गया है, समीकरण एक प्लस समीकरण दो, तो समीकरण एक ये हैगी एन अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू, समीकरण दो ये हैगी इधर का हिस्सा वन अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश बराबर एन माइनस वन अपॉन आर वन और माइनस एन माइनस वन अपॉन आर टू, तो एन माइनस वन ले लिया इसमें से कॉमन बाहर आ गया, इधर कितना बचा ऊपर कुछ नहीं बचा एक एक बटा आर वन और माइनस एक बटा आर टू। अब ये एन अपॉन वी डैश से एन अपॉन वी डैश कट गया तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब ये वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू हम जानते हैं किसके बराबर होता है, वन अपॉन एफ के बराबर, तो इसकी जगह पर वन अपॉन एफ लिख दिया, वन अपॉन एफ बराबर एन माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये इस तरह से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना थी, क्योंकि ये सूत्र पूरा आता है, कहेगा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए तथा इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले हमें अगर के कह दे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, कितना होता है एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन आर, ये तो हो गया गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब पतले लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए, तो बहुत ही आसान, सिर्फ दो स्टेप। माना कोई वस्तु O मुख्य अक्ष पर स्थित है और पतला लेंस T है, प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तो ये वाला सूत्र होता है I डैश पर जब बनता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी V डैश, वस्तु की दूरी U, तो N अपॉन V की जगह V डैश माइनस वन अपॉन U बराबर N माइनस वन अपॉन R बन। अब यह प्रतिबिंब I डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, इस पर बनता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, यहाँ ये वस्तु का कार्य कर रहा है द्वितीय पृष्ठ है, तो यह ये हो जाएगी U का मान, U का मान V डैश माइनस T, और प्रतिबिंब की दूरी V पर है, I पर बन रहा है तो ये V है, तो V की जगह V रहने दिया जाएगा। अब ये T को नगण मान के छोड़ दिया, T से गुणा कर दी, दोनों को जोड़ दिया, बस हो गया डेरिवेशन। तो इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में अगले डेरिवेशन के साथ मिलते हैं।